प्रोग्रामिंग सी की इस सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो इसके पिछले वीडियो में हमने वेरिएबल को डिक्लेयर करना सीखा था। तो अभी तक हमने क्या क्या सीख लिया है? सी इंट्रो सीखा, सी सिंटेक्स सीखा, सी आउटपुट सीखा, सी कमेंट और सी वेरिएबल में वेरिएबल को हमने डिक्लेयर करना सीखा था। तो वेरिएबल डिक्लेयर अगर आपने नहीं देखा है तो इसके पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा वेरिएबल डिक्लेरेशन का, वहाँ पर आप वेरिएबल डिक्लेयर करना पहले सीखे। और आज हम सीखने वाले हैं कि दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स को हम कैसे ऐड करना है ना। तो इस वीडियो में हम वो सीखने वाले हैं। तो अगर इससे पहले आपने नहीं देखा है, जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि हम सीरियल वाइज सीरियल आगे बढ़ रहे हैं। तो पहला आप बेसिक क्लियर कीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़िए। तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद अब यहाँ पर देखिए हमारी बात आती है, यहाँ पर दो वेरिएबल्स या उससे ज़्यादा वेरिएबल्स को ऐड करना। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हमने यहाँ पर लिख करके भी रखा हुआ है कि टू ऐड अ वेरिएबल्स टू अनदर वेरिएबल्स यू कैन यूज द प्लस ऑपरेटर। आप एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के साथ जोड़ने के लिए हम प्लस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। हम ऑपरेटर्स भी देखेंगे, है ना। अभी हमको भी बहुत सारी चीज़ देखने के लिए यहाँ पर बची हुई है। यहाँ पर देखिए सी के ऑपरेटर्स भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं, सभी चीज़ देखेंगे। लेकिन आपको प्लस ऑपरेटर के बारे में तो पता है, या कि आप प्लस साइन समझ लीजिए कि हमें यूज़ करना होता है दो ऑपरेटर्स को जोड़ने के लिए। तो वही हमारे प्रोग्राम की शुरुआत, हैज इंक्लूड एसटीडी डॉट एच हमारा हेडर फाइल होता है। दूसरी लाइन हमने ब्लैंक छोड़ दी प्रोग्राम को रीडेबल बनाने के लिए। फिर तीसरा अपना हम भाई मेन फंक्शन मिल गया इंट मेन और कर्ली ब्रेस के साथ यहाँ पर प्रोग्राम की शुरुआत की। अब जिसके पहले वाला जो हमारा वीडियो था उसमें आपने वेरिएबल डिक्लेयर करना सीखा था। पहले क्या लिखना था हमें, पहले टाइप देना था, ठीक है। पहले हम वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं, पहले हम टाइप देते हैं, फिर वेरिएबल का नाम देते हैं और फिर इसके बाद हम वैल्यू देते हैं। तो टाइप हमने क्या दे दिया, हमारा इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, इंटीजर हमने दे दिया। उसके बाद हमारा यहाँ पर वेरिएबल नेम, तो वेरिएबल का नाम हमने यहाँ पर ए रख लिया। अब वैल्यू कितना दे दी, यहाँ पर 10 दे दी। सेम इसी तरह से इंटीजर हमने लिया टाइप हमारा है डेटा का। इसके बाद वेरिएबल का नाम हमने बी और यहाँ पर वैल्यू हमने यहाँ पर दोनों को 10 दे दी। तो अगर देखिए आपने वेरिएबल डिक्लेरेशन नहीं सीखा है तो उसको पिछला वाला वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है वो आपके लिए। फिर उसके बाद इस वीडियो में आइए। तो वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर लिया यहाँ पर इंटीजर ए और यहाँ पर 10 दे दिया, इंट बी में हमने यहाँ पर 10 दे दिया। अब तीसरा हमने वेरिएबल बनाया किसके लिए, यहाँ पर अब हमने ऑपरेटर यूज़ कर लिया, ये प्लस के लिए किया। तो इंट और यहाँ पर आप सम यहाँ पर लिखा, आप सी भी लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो इंट सी हमने लिख दिया, मान लीजिए कि हमने यहाँ पर इंट सम ही लिखा हुआ है, सम इज इक्वल ए प्लस बी, यहाँ पर हमें प्रिंट करना है ना, सम को हमें प्रिंट कराना है। इसलिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ है इंट ए प्लस बी, प्रिंट किसको कराना है, हमें सम में प्रिंट कराना है। तो सम में क्या प्रिंट होना चाहिए, ए प्लस बी प्रिंट होना चाहिए। तो ए की वैल्यू क्या है 10 प्लस और बी की वैल्यू 10, तो हमारा आंसर इसका क्या आना चाहिए 20 आना चाहिए, 20। तो हमें प्रिंट कराना, इसलिए हमने यहाँ पर एक और वेरिएबल लिया और यहाँ पर सम नाम का, और उसमें हमने ए प्लस बी यहाँ पर ऑपरेटर, यहाँ पर प्लस ऑपरेटर हमने बीच में प्लस यूज कर लिया हुआ। तो ए और प्लस बी को हमें ऐड करना। तो अब वही प्रिंट अप फंक्शन में लगाया और परसेंटाइल डी, आपको पता है कि अगर हम इंटीजर का वेरिएबल देते हैं, इंटीजर टाइप का अगर हम डेटा देते हैं तो हमें सिस्टम को बताना पड़ता है कि किस टाइप का डेटा टाइप है। उसके लिए अगर हमारा इंटीजर टाइप का होता है तो हम परसेंटाइल डी यूज़ करते हैं, और अगर हमारा फ्लोट होता है तो हम परसेंटाइल एफ यूज़ करते हैं, अगर हमारा कैर का होता है तो हम परसेंटाइल सी यूज़ करते हैं। तो सिस्टम को बताने के लिए हमने यहाँ पर प्रिंटर में सबसे पहले किस टाइप का डेटा है हमारा, उसके लिए हमने परसेंटाइल डी यूज़ किया है। आप इंटीजर के लिए परसेंटेज आई भी यूज़ कर सकते हैं और परसेंटेज डी दोनों भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप आई यूज़ कर लीजिए या कि डी यूज़ कर लीजिए, कोई भी यूज़ कर लीजिए। हमने यहाँ पर परसेंटाइल डी यूज़ किया। उसके बाद हमें प्रिंट की क्या करना है, सम प्रिंट करना है, तो हमने यहाँ पर सम लिख दिया। अब सम में क्या प्रिंट होना चाहिए, ए प्लस बी, 10 प्लस 10 प्रिंट होना चाहिए, तो हमारा आएगा 20। अब इसका आउटपुट देखिए रिटर्न 0 मार्क्स आया, क्लोज करते हैं हम इसको और कर्ली ब्रेस के साथ भी क्लोज किया। अब हमारा यहाँ पर आउटपुट देखिए 10 और 10 यहाँ पर 20 हमें आउटपुट मिल रहा है। तो कुल मिलाकर के हमें सम वेरिएबल, हमने पहला एक वेरिएबल डिक्लेयर किया ए, दूसरा हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया बी, फिर हमने एक सम नाम का वेरिएबल लिया यहाँ पर और यहाँ पर ए प्लस बी हमें वहाँ पर प्रिंट कर देना। तो ए प्लस बी हमने प्रिंट कर दिया और ए प्लस बी हमें डिक्लेयर कर दिया अभी हमने। फिर प्रिंट ऑफ में हमने अपना परसेंटाइल डी लगाया कि हमारा इंटीजर टाइप का डेटा है, फिर हमने यहाँ पर सम ले दिया। सम के अंदर हमें क्या प्रिंट हो जाएगा, ए प्लस बी होना चाहिए। तो ए प्लस बी में जब हम जाता है तो 10 प्लस 10 हो जाता है 20। तो इस तरह से हम दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स का एडिशन परफॉर्म करते हैं। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं इसी में।
अब यहाँ पर देखिए हमने एक ही लाइन में हमने अलग अलग मतलब कि इंट ए करके फिर इंट बी इंट सी, यहाँ पर इसके पहले वाले में देखिए हमने कैसे लिया हुआ है, हमने अलग अलग लाइन में लिया है ना। अब इसमें हमने सेम ले लिया है, तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ हमारा, इंट मेन हमने लिया, वही देखिए हैज इंक्लूडेड स्टूडेंट डॉट एच के साथ हमारे प्रोग्राम की शुरुआत होती है हेडर फाइल। दूसरी लाइन हमने ब्लैंक छोड़ दी प्रोग्राम को रीडेबल बनाने के लिए। फिर वेन फंक्शन लिया और कर्ली ब्रेस लिया हमने यहाँ पे, और कर्ली ब्रेस के बाद अब यहाँ पर देखिए इंट ए लिया हमने, यहाँ पर ए की वैल्यू 5 दे दी, बी की वैल्यू यहाँ पर हमने 6 दे दी और सी की वैल्यू हमने यहाँ पर 50 दे दी, ठीक है। फिर प्रिंटफ में हमारा डेटा टाइप क्या है, इंटीजर टाइप का डेटा है, तो हमने इंटीजर टाइप डेटा बताने के लिए इसको हमने परसेंटाइल डे दे दिया। अगर यही इसी की जगह अगर मान लीजिए कि हमें हमारा फ्लोट डेटा टाइप होता, कैर डेटा टाइप होता, तो डी फिर नहीं रहता, फिर वहाँ फ्लोट होता तो एफ हो जाता और सी होता तो कैर हो जाता, इसलिए इंटीजर के लिए हमने परसेंटेज डी लिया। अब क्या करना है हमें, यहीं पर हमने सीधा लिख दिया ए प्लस बी प्लस सी, अलग से हमने यहाँ पर देखिए वेरिएबल नहीं बनाया है सी का, जैसे कि हमने यहाँ पर बनाया था, यहाँ पर इंटीजर सब हमने बनाया तो ए प्लस बी यहाँ पर लिखा था, और यहाँ पे फिर इस वेरिएबल का केवल नाम बस लिख दिया था, लेकिन हमने यहाँ पर इस तरह से कुछ नहीं बनाया हुआ है, तो हमें यहाँ पर पूरा लिखना पड़ेगा इंट ए प्लस बी प्लस सी, हमें तीनों को लिखना है, फिर रिटर्न 0 करना है, फिर क्लोज करना, तब जा करके हमें आउटपुट जा करके 61 मिलेगा, क्योंकि ए की वैल्यू हमारी 5 है, 5 प्लस 6 प्लस 50, तब जा करके हमारा यहाँ पर 61 हमें आउटपुट मिलेगा। तो इस तरह से हमें एडिशन परफॉर्म करना है। एक हमारा प्रोग्राम ये वाला था और दूसरा हमने इस तरह सीखा। तो अगर हमें मान लीजिए कि यहाँ पे हमने एक वेरिएबल सब नाम का नहीं बनाया, यहाँ पे तो बनाया हमने, लेकिन इसके पहले वाले वीडियो में यहाँ पर हमने नहीं बनाया हुआ है, तो इसके लिए हमें सीधे प्रिंटफ फंक्शन में ए प्लस बी प्लस सी लिखना होता है। अगर यहाँ पर हम एक और वेरिएबल बना लेते तो वहाँ पर सीधे उस वेरिएबल को लिख देते, जैसे कि यहाँ पर सब नाम का बनाया और यहाँ पर सब हमने लिख दिया तो हमें आउटपुट मिल गया। तो इसी तरह से आप दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स को ऐड करते हैं प्रोग्रामिंग सी में। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अभी हम देखिए सी इंट्रो में देख चुका और सी सिंटेक्स आउटपुट कमेंट वेरिएबल सब हमारा ख़त्म होने वाला है। अब डेटा टाइप्स कॉन्स्टेंट सी ऑपरेटर सी फेल्स ये सभी चीज़ें भी हमारी देखने के लिए बची हुई, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी न्यू वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।